जानकारी आप सभी जन के बीच में बुंदेलखंड रूपल के माध्यम से एक बार से जुड़े हैं। आवाज के जो खास खबर पे विस्तार से चर्चा करें। अनदेखी दुग्ध सीप केंद्र के अधिकारी करा रहे हैं दूध की चोरी। उत्पादन 4000 लीटर से गिर के 1800 लीटर हो गए। महोबा रोड स्थित पशु अस्पताल परिसर में जो दुग्ध केंद्र 2011 में बहुत स्थापित, पिछले कई सालों से दूध की हो रही है चोरी। शहर के महोबा रोड पे पशु अस्पताल परिसर में बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ द्वारा शीतकरण केंद्र स्थापित करो गो। इतने पे जिला के ग्रामीण क्षेत्र से आवे वाले दूध का एकत्रित करके सागर केंद्र भेजो जाते हैं, लेकिन ई चिलिंग प्लांट के अधिकारी की हर दिन दूध की चोरी करा रही। बकाया बिल को मामला, उपभोक्ता की मौत के 23 साल बाद बिजली कंपनी को नोटिस, चेतावनी दी गई 88,000 जमा नहीं करे तो हुई है संपत्ति की कुर्की। बिजली कंपनी ने ऐसे उपभोक्ता को बकाया बिल जमा करने को नोटिस भेज दो जी की 23 साल पहले मौत हो चुकी है। नोटिस दे गए 88,000 से अधिक बकाया राशि जमा करने को उल्लेख करोगा। संघ में बिल जमा नहीं करने पे उनकी चल और अचल संपत्ति की कुर्की को उल्लेख भी करोगा है। खास बात जाए कि मृतक की मौत के अगले साल ही परिजन बकाया बिल जमा करा के विधिवत कनेक्शन भी कटवा चुके हैं। बिजली कंपनी फिर भी बकाया बिल के लाने नोटिस भेज रही है। बड़ा मरेरा तहसील के भगवा क्षेत्र में फुटवारी गांव के गिल्ला धोबी को 20 दिसंबर 1998 में निधन हो चुको। अब बिजली कंपनी ने 18 फरवरी 2021 का नोटिस जारी करो। सुविधा लाइसेंस और गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करावे के लाने कोनो दूसरे दस्तावेज देवे की जरूरत न हुई है। परिवहन विभाग की 18 सुविधाएं हुई है ऑनलाइन। ड्राइविंग लाइसेंस बनवावे के लाने अब आपका परिवहन कार्यालय जावे की आवश्यकता ना हुई है। आरटीओ से जुड़ी 18 सेवाएं अब ऑनलाइन हो गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जारी अधिसूचना में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की कई जरूरी सेवाओं को डिजिटल करने की घोषणा करी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में उल्लेख करोगो कि नागरिकन का सुविधाजनक और बिना परेशानी की सेवाएं देवे के लाने नई व्यवस्था लागू करी जा रही है। आयोजन महिला दिवस के मौका पे बक्सवाहा में 15 दिवसीय जूडो कराटे प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। जूडो कराटे सीख के सक्षम हो रही अपने आप में बालिकाएं। महिला बाल विकास के तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से नगर के एक्सीलेंस स्कूल में जूडो और कराटे को 15 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। व्यायाम निर्देशक देवी सिंह राजपूत ने बताओ कि महिला दिवस के अवसर पे अपराजिता नामक ई प्रशिक्षण का प्रारंभ करो है। जी में नगर की बालिकाओं का प्रतिदिन शाम के 5 बजे से 6 बजे तक कस्तूरबा छात्रावास की कराटे कोच गया सिंह ठाकुर प्रशिक्षण दे है और ये प्रशिक्षण के माध्यम से बालिकाओं का आत्मरक्षण के बारे में सिखाओ जाए है, जिसमें बालिकाएं अपनी रक्षा स्वयं कर सके। महाशिवरात्रि पर बच्चन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियों से दो पहलो महिला सशक्तिकरण को संदेश। प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय शाखा घुवारा ने महाशिवरात्रि पर्व मनाओ है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल भए। छोटी छोटी बच्चन के द्वारा अनेक रोचक और प्रेरक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करे गए। इसके पहले घुवारा में उप थाना परिसर में से गाजे बाजे के संगे भगवान शिव जी की शोभा यात्रा निकाली गई। छतरपुर और बिजावर से आई बहनें बग्गी पर सवार होकर निकली और इसके पहले उप थाना परिसर के शिव मंदिर में भगवान शिव जी की महाआरती करी गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल भए हैं। आरोप, दूसरे के कच्चे मकान की फोटो लगवा के ले वो चाहते प्रधानमंत्री आवास को लाभ। योजना को लाभ न मिलने पे पंचायत सचिव की कर दी थी शिकायत। ग्राम पंचायत भदर्रा में आवास योजना के अपात्र और सचिव के बीच घमासान मचो गो है। कछु लोगों ने सचिव के खिलाफ शिकायतें करी, लेकिन सचिव ने सभी आरोपन का सबूतन के आधार पर खंडन करो है। शिकायतकर्ता रामस्वरूप अनुरागी, खेमचंद अनुरागी, बंदी अहरवार, भगवती अहरवार, देशराज अहरवार ने सचिव घनश्याम कुशवाहा पे आवास योजना को लाभ ना दिलावे को आरोप लगाओ तो इनके पंचायत समन्वय ने जांच करी तो जांच में पाओ कि अपात्रन का योजना को लाभ नहीं दो जा सको। ग्राम के सचिन अनुरागी और उदल अनुरागी ने आरोप लगाओ कि उनके कच्चे मकान के सामने रामस्वरूप अनुरागी अपनी फोटो खिंचवा के अपना मकान बता के प्रधानमंत्री आवास को लाभ लेना चाह रहे थे। ये बात का कच्चे मकान के मालिक सचिन अनुरागी ने स्टाम्प पे शपथ पूर्वक कथन करो है कि हमारे मकान के सामने गांव के कछु लोगों ने फोटो निकलवा के प्रधानमंत्री आवास योजना को लाभ लेना चाहो, जो कि गलत है। तेजस्वी ग्रामीण महिला संघ लगन और मेहनत के दम पे आत्मनिर्भर हो रही ग्रामीण महिलाएं। अनुविभाग क्षेत्र में दर्जन महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बलबूते अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। जो महिलाएं आर्थिक रूप से मोहताज हती वे आज स्वयं अपनी मेहनत से आर्थिक रूप से संपन्न हो रही, आत्मनिर्भर होकर वे घर परिवार चला रही और समाज में नव आयाम छू रही।
मध्य प्रदेश महिला वित्त और विकास निगम द्वारा संचालित तेजस्विनी ग्रामीण महिला संघ से जुड़ने के बाद भगवा की अनीता, सुनीता, संगीता, विमला, अंजना जैसी अनेक ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बनके अपने परिवार को भरण पोषण कर रही हैं। जे भगवा की महिलाएं मसाला पापड़, मसाले को नमक तैयार करके आमजन का सस्ते दामन में उपलब्ध करा रही है। महिला मुद्दा चौपाल को आयोजन, एक शिक्षित बालिका तीन पीढ़ियों का शिक्षित करके उनका संस्कारवान बनाते हैं, सरपंच कह रहे। महिला मुद्दा चौपाल में महिलाओं का दी गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समर्थन सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट भोपाल के द्वारा UNFPA के सहयोग से ग्राम धर्मपुरा में महिला मुद्दा चौपाल को आयोजन करोगे। ये चौपाल को आयोजन ग्राम और पंचायत स्तर पर महिलाओं के मुद्दों की पहचान करवो और पंचायत और ग्राम सभा के माध्यम से समस्या को समाधान खोजवे के मुख्य उद्देश्य के तहत करोगे। समर्थन संस्था द्वारा संचालित परियोजना जेंडर बेस्ड वायलेंस का कम करबे के लाने चलाई जा रही परियोजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला मुद्दा चौपाल को आयोजन करोगे। सराफा बाजार 29 दिन में 10 ग्राम सोने के भाव 4200 रुपया घटे, 1 किलो चांदी पे 1245 रुपया कम, खरीदी को जो समय सबसे सही है। शादी को सीजन शुरू होने से पहले 10 ग्राम सोना 44500 रुपया और 1 किलो चांदी 66555 रुपया पे आ गई। लॉकडाउन के बाद अचानक बड़ी महंगाई में आसमान छूबे वाले सोने चांदी की चमक फीकी पड़ गई। खास के केंद्र को बजट पेश होने के बाद से लगातार सोने की दाम घटने लगे। स्थिति जाए कि 29 दिन में प्रति तोला 4200 रुपया कीमत कम हो गई, जबकि चांदी की कीमत 29 दिन में 1250 रुपया प्रति किलो घट गई है। प्रमोशन 136 प्रधान आरक्षक बने ASI, जिन थाने में कमी होते हुई है पोस्टें। जिला के 177 आरक्षण का बनाव जो है प्रधान आरक्षक। सागर जिला के 136 प्रधान आरक्षण का ASI के पद पे प्रमोशन दो गौ है। हवलदार अब अधिकारी वर्ग में शामिल हो गए, उनको रुतबा और बढ़ गौ है। जिला के जिन थानन में ASI की कमी हती होते हैं, इनकी पोस्टिंग करी जाए और इनके लाने प्लान तैयार हो रहा है। महाशिवरात्रि के बाद इपे अमल हो सकत है। ऐसे कुछ खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड पर शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जयराम जी की।